जय श्री राधे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पंडित जी ने जो भी आपको साधन बताया है, जो भी मंत्र बताएं, आप उनका जाप कीजिए। समय आने पर दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा आवश्यक है, लेकिन दीक्षा के लिए घबराना नहीं है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक निष्ठा नहीं हो पाई, जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाई और गुरु जी से आपने गुरु मंत्र दीक्षा ले ली और दीक्षा का पालन नहीं कर पाई, तो और अपराध होगा। इसलिए यदि परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो इसमें बिल्कुल अभाव भी महसूस न करें, क्योंकि देखिए शास्त्र ये कहता है कि नाम द्वारा प्रेम प्राप्ति हो जाती है, नाम द्वारा प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो नाम कलयुग का परम साधन है। मैं नहीं जानता कि आप नाम करती हैं कि नहीं, पंडित जी ने जो भी आपको मंत्र बताए होंगे वो नाम के ही होंगे, और यदि आप नहीं करती हैं तो अवश्य हरे कृष्ण महामंत्र, जुगल महामंत्र, विजय मंत्र, श्री राम जय राम जय जय राम, पता नहीं आप किस उपासना शय उसमें हैं, तो अपनी उपासना के हिसाब से आप नाम का आश्रय अवश्य लीजिए और संख्या सहित नाम जप कीजिए। और संख्या नहीं तो समय सहित के रोज मेरे को 1 घंटा बैठ के माला करनी है, रोज मेरे को 2 घंटे करनी है, 1 घंटा सुबह करनी है, 1 घंटा शाम को करनी है, या मेरे को 10 माला रोज करनी है, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाइए। जैसे अभी आप 10 माला रोज कर रही हैं, तो साल 1.5 साल बाद फिर 11 या 12 माला कर दीजिए, फिर साल भर बाद 14 माला कर दीजिए, ऐसे बढ़ाइए। नाम का आश्रय लेने से, नाम और नामी अभिन्न है, नाम का आश्रय लेने से साधक में साधन करने की, दीक्षा लेने की, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने की और अपने चित्त बोल होली बोल होली।